Hello everyone, welcome to our channel Recipe of the Day. Today's recipe is Veg Hakka Noodle. आज हम घर में ही कम से कम वेजी के साथ स्टीयर फ्राई हक्का नूडल बनाएंगे, जो कि आप रेस्टोरेंट में खाते हैं, बिल्कुल नॉन स्टिकी एंड डिलीशियस, ऐसे ही हम आज घर में बनाएंगे। देखिए वो ये बहुत ही जल्दी बन जाएगा और आपको खाने में बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब इसका मेकिंग प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पर हमने पहले पानी को अच्छे से गर्म करके एक पैकेट हक्का नूडल्स लिया है, जिसको हम अच्छे से उबाल आने के बाद ही डाला है। अब उसमें हम 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल ऐड कर लिए, उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। याद रखिए हमेशा नूडल्स के डबल हिसाब का ही हमको पानी लेना है, जैसे ऐसे करने से ये स्टिकी नहीं होता है और एकदम खिला खिला रहता है। अब उसमें टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सॉल्ट ऐड कर लेते हैं। जीजिए अब उसको अच्छे से ठंडा पानी से हमने स्ट्रेन कर लिया है। देखिए ये बिल्कुल नॉन स्टिकी है। वेजेस में हमने यहाँ पे लिया है ओनियन, कैप्सिकम, कैरेट, कैबेज एंड बीन्स, सबको हमने थीनली चॉप्ड करके रखा है। हमने यहाँ पे लिया है ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, सोया सॉस एंड ऑयल। पहले एक नॉन स्टिक कढ़ाई लिया है हमने, उसको अच्छे से गरम करके 3 टेबलस्पून ऑफ रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। ऑयल को अच्छे से गरम होने दीजिए। अब उसमें चॉप्ड ओनियन ऐड कर लीजिए। ये प्रोसेस हमको कम्प्लीटली हाई फ्लेम में बनाना है, इसलिए हमको कंटिन्यूसली वेजेस को एक के बाद एक ऐड करना है। थोड़ा सा ही ये फ्राई होने दीजिए, उसके बाद हमको बाकी सारा वेजेस को ऐड करना है। थोड़ा ट्रांसपेरेंट होते ही हमने यहाँ पे बीन्स, कैप्सिकम, गाजर एंड कैबेज को ऐड कर लिया है। उसको हमको ऐसे ही हाई फ्लेम में कंटिन्यूसली स्टेयर करना है। देखिए ऐसे ही स्टेयर करके करते हमको इसको तैयार करना है। टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लीजिए और उसको कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहिए। ये हार्डली 5 to 10 मिनट्स लेगा कम्प्लीटली स्टेयर होने के लिए। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा उसको फ्राई होने दीजिए। देखिए वेजेस थोड़ा थोड़ा फ्राई होता दिख रहा है। अब उसमें हमको थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करना है। यहाँ पे हमने 1/2 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस यूज़ किया है। अब इसे कंटिन्यूसली से स्टेयर करते रहिए। उसमें 1 टेबलस्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर लीजिए, उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब चलिए नूडल्स को एक के बाद एक ऐसे ही डाल दीजिए। अब उसको मिक्स कैसे करेंगे, इसके लिए आपको चाहिए 2 वुडन स्पैचुला और आप स्कीमर के साथ भी कर सकते हैं। देखिए उसको दोनों तरफ से आप दोनों हाथ से पकड़िए और अच्छे से उसको ऐसे ही ऊपर नीचे करते रहिए। रेस्टोरेंट में ऐसे ही हमको स्टीयर फ्राई हक्का नूडल्स बना के देते हैं। वो वहाँ पे बड़ा बर्तन यूज़ करते हैं, इसलिए उसको हाथ में हिलाकर उसको अच्छे से स्टीयर करते रहते हैं। हम यहाँ पे छोटा बर्तन लिया है, इसलिए हमको घर में 2 वुडन स्पैचुला से ईजिली स्टीयर हो जाएगा। देखिए इसी प्रोसेस में कंटिन्यूस करते रहिए। लगभग आपको 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही आपको स्टीयर करते रहना है। लीजिए तैयार हो गया आपका स्टीयर फ्राई हक्का नूडल्स। अब उसको ऐसे ही चारों तरफ से स्प्रेड कर लीजिए और गैस का फ्लेम ऑफ कर लीजिए। अब उसको ऐसे ही गर्मा गर्म परोसिए। लीजिए तैयार हो गया आपका रेस्टोरेंट स्टाइल स्टीयर फ्राई वेजिटेबल हक्का नूडल्स। हमने यहाँ पे घर पे अवेलेबल इजीली वेजेस लिया है। अगर आपके पास है तो आप मशरूम, ब्रोकली या बेबी कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा रेसिपी अच्छा लगा देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।